नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नई गढ़ी पुलिस की बड़ी सफलता, लगभग 3000 लीटर महुआ लहन शराब के साथ दो आरोपी पुलिस ने पकड़े। शराब को नष्ट करने की कार्रवाई जारी, फिलहाल अभी कार्रवाई जारी थी। शराब की मात्रा और बढ़ भी सकती है। 3000 लीटर से ज्यादा महुआ लहन शराब सहित दो आरोपी नई गढ़ी पुलिस ने पकड़ने में पाई सफलता। लगभग 3000 लीटर से ज्यादा शराब, दो आरोपी पकड़े। अवैध शराब माफिया के खिलाफ नई गढ़ी पुलिस की कार्रवाई, इसे एक बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी, इसकी तादाद और बढ़ सकती है। शराब की मात्रा और बढ़ने की गुंजाइश हम आपको बता दें। नई गढ़ी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने जायसवाल मोहल्ले में दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। लगभग 3000 लीटर से ज्यादा शराब इस दौरान पकड़ी जा चुकी थी। पुलिस ने दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया था, औरों की तलाश जारी थी। शराब की मात्रा कितनी है, कितने आरोपी पकड़े गए, मऊगंज के एडिशनल SP विवेक लाल साफ तौर से कहते हैं, इंतजार करिए, फिलहाल अभी हमारी कार्रवाई जारी है। ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, अंतिम आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जब हमारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब हम पूरी तरीके से बता सकेंगे हमें कितनी शराब, कितनी महुआ लहन पकड़ने में कामयाबी मिली है। फिलहाल हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। नई गढ़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में महुआ लहन शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। हम आपको बता दें, नई गढ़ी पुलिस ने जायसवाल मोहल्ले में महुआ लहन शराब पर बड़ी कार्रवाई की है, वह कार्रवाई अभी भी जारी है। वहीं नई गढ़ी पुलिस ने अमृतलाल जायसवाल, राम खिलावन जायसवाल को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने डालडे और तेल के 300 डब्बों में रखी करीबन 3000 लीटर महुआ लहन शराब को जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की है। फिलहाल कार्रवाई जारी। एडिशनल SP मऊगंज विवेक लाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, नई गढ़ी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, हमने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमारी टीम ने नई गढ़ी के जायसवाल मोहल्ले में दबिश दी। दबिश के दौरान हमें भारी मात्रा में महुआ लहन शराब जब्त करने में कामयाबी मिली है। हम उस शराब को नष्ट भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमने दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं। माना जा सकता है नई गढ़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अभी कुछ दिन पूर्व ही इसी तरीके की एक और कार्रवाई हुई थी नई गढ़ी में ही, जहां पर आरोपी ने अपने ऊपर गर्म पानी डालकर अपने को जला भी लिया था। हालांकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। माना जा सकता है जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ की है, ये हाल के दिनों में की गई एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। जिस तरीके से 300 डिब्बों में रखी भारी मात्रा में पुलिस को महुआ लहन जब्त करने में सफलता हासिल हुई है, जिसके नष्ट करने की कार्रवाई भी उसने कर दी है। पूरे मामले को लेकर हमने मऊगंज के एडिशनल SP विवेक लाल से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका शराब के मामले में क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। ये जायसवाल मोहल्ला है, उसके नदी के किनारे। अभी हमारी कार्रवाई जारी है, कितनी मात्रा में है अभी जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे। लगभग जो प्रथम दृष्टया उसने बताया 3-4 हज़ार लीटर की शराब जो है उसने पकड़ी है और दो आरोपियों को हिरासत में लिया। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और अच्छी कार्रवाई की है हमारी नई गढ़ी पुलिस ने। इसको नष्टीकरण भी किया जा रहा है। इसका नष्टीकरण सर कहाँ से सूचना मिली थी? ये मुखबिर से सूचना मिली। कहाँ के आरोपी है, रहने वाले? ये आरोपी वही जायसवाल मोहल्ला के। अभी दो पकड़े गए हैं, दो आरोपियों की हिरासत में ले लिया गया है, अन्य की तलाश कंटिन्यू जारी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।